अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर सीएसएस पीएमएस टाइम्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीएमएस में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामिक स्टडीज़ में। तो हम आप सस्लम की सीरत को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सीरत में आप सस्लम का जो है हमें एज ए मैसेंजर उन्होंने अपना रोल किस तरह से प्ले किया वो देखेंगे। आप सस्लम ने जो है वो 40 साल के बाद आप सस्लम को नबूवत मिली, जिसमें 23 ईयर्स आप सस्लम ने अपनी लाइफ के दिए इस्लाम के मैसेज को प्रीच करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा जो है उन्होंने मक्का में 10 साल गुजारे, जिनमें आप सस्लम ने मक्का के लोगों को आप अल्लाह पाक की तरफ बुलाया और आप अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए उनको बताया कि अल्लाह ताला जो है वो एक है और वो बुतों की जो है पूजा करना छोड़ दें। फिर है डिस्पाइट फेसिंग प्रोसिक्यूशंस, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम कंटिन्यू टू प्रीच द मैसेज ऑफ इस्लाम एंड सेट एन एग्जांपल ऑफ काइंडनेस, कंपैशन एंड मर्सी टूवर्ड्स ऑल पीपल। आप सल्लम ने जो है वो इस बहुत ज़्यादा जो तकालीफ जो है वो मक्का में बर्दाश्त की थी, और आप सल्लम को मक्का जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि वो बचपन से वहीं पर रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की उन कुफ्फारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर आ गई तो अल्लाह ताला ने भी उनको हुक्म दिया कि उनको अब हिजरत करनी है। तो हिजरत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो टीचिंग्स नहीं छोड़ी, और 23 ईयर्स मतलब 13 साल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में गुजारे, और वहाँ पर भी मज़ीद जो है वो इस्लाम को इस्टेब्लिश किया और एज़ अ रोल मॉडल जो है वो अपना दिखाया हर तरह से। आप सल्लम ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम आल्सो एस्टैब्लिश अ मॉडल कम्युनिटी इन मदीना वेयर ही माइग्रेटेड आफ्टर फेसिंग सेवरल प्रोसिक्यूशंस इन मक्का। फिर आते हैं हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने एज अ रिफॉर्मर किस तरह से काम किए। रिफॉर्मर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम सॉट टू रिफॉर्म सोसाइटी बाय प्रीचिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम व्हिच एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मोनोथिज्म, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो आप सल्लम ने जो है रिफॉर्म्स किस तरह से लाए दीन इस्लाम के ज़रिए, और बताया कि अल्लाह ताला की वहदानियत क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, और आप लोगों ने आपस में जो भी मामलात करने वो इक्वालिटी की बेस पे करनी है, मतलब कि ज़ात पात रेस ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। फिर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम आल्सो सॉट टू रिफॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम बाय प्रोहिबिटिंग उश्री एंड इनक्रेजिंग चैरिटी एंड फेयर ट्रेड। उश्री सिस्टम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सूद का भी जो है सिस्टम ख़त्म करवाया था। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम आल्सो सॉट टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल सिस्टम बाय एस्टैब्लिशिंग अ मॉडल इस्लामिक स्टेट इन मदीना। ये भी आप सल्लम ने एक एज अ रिफॉर्म, जिस दौर में सिर्फ कबायली सिस्टम था वो दिखाया, और बाकायदगी से आप सल्लम ने उसको अमल में भी लाया। ओवरऑल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम इज़ कंसिडर्ड अ रिफॉर्मर इन इस्लामिक हिस्ट्री फॉर हिज एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी। मकसद कि बहुत ज़्यादा जहालत में जो सोसाइटी पड़ी हुई थी उसको सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश और बहुत अच्छी सोसाइटी जो है वो आप सल्लम ने इस्लाम के मैसेज के थ्रू जो है वो पहुँचाया, मतलब कि वो उसको फुली इस्टेब्लिश कर दिया उस माशरे को। द मैसेज ऑफ इस्लाम एंड इस्टेब्लिशिंग अ मॉडर्न इस्लामिक स्टेट एज इस्लामिक स्टेट जो है वो अरेबियन पेनिनसुला को उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, मतलब उन्होंने जो है वो ओवरऑल चेंजिंग करके दिखाई उसमें। अब हम आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने एज एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम किया। सबसे पहले जो है वो आप सल्लम ने मदीना में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस्टेब्लिश की, जिसमें ड्यूरिंग हिज टाइम इन मदीना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट वाज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड जस्टिस। आप सल्लम ने जो सिस्टम बनाया वो शोरा की कंसल्टेशन पर और जस्टिस पर डिपेंड करता था, जिसमें किसी को ये नहीं देखा जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा मतलब अहदे में, और इसके अलावा कौन गरीब है कौन अमीर ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, और जो भी गुनहगार होगा उसको जस्टिस की बेस पे सज़ा या जजा जो है वो दी जाएगी, और कोई भी मामला आएगा तो उसे कुरान और सुन्नत के थ्रू कंसल्टेशन से हल किया जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दैट वाज फेयर एंड जस्टिस। टैक्स का सिस्टम जो है वो भी आप सल्लम के दौर से ही स्टार्ट हो चुका था, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको नीड है
उस हिसाब से जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा और जो गरीब हैं उनको फिर जो उनकी प्रॉब्लम्स होगी वो उनके थ्रू सॉर्ट आउट होंगी। फिर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वाज आल्सो स्किल्ड मिलिट्री कमांडर एंड स्ट्रेटजिस्ट। आप सल्लम जो भी जंगें होती थी गजवात जिनको कहा जाता है तो उसमें आप सल्लम जो है वो लीड करते थे एज अ कमांड मिलिट्री कमांडर और जो भी फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो भी स्ट्रेटजीज जो हैं वो फॉर एग्जांपल अगर गजवा अहद का नाम लिया जाए तो उसमें आप सल्लम ने वो स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें अंदर जो भी तीरबाज थे उनको वहाँ पे जबले अहद पे खड़ा कर दिया और जो काफिरों की जो साइड था वो नीचे था तो उसमें वो स्ट्रेटजीज आप सल्लम की देखी जाए। इसके अलावा गजवा अहद में भी आप सल्लम बहुत ज़्यादा अच्छी सी स्ट्रेटजीज की और बेस्ट एग्जांपल जो स्ट्रेटजीज का है मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट का वो है खंदक को खोदना जो गजवा अहज़ाब भी कहा जाता है जिसको। तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए। फिर सेकेंड नंबर पर फिर हमारा आप सल्लम एज एजुकेटर उन्होंने काम किया क्या क्या किया। एज ए एजुकेटर आप सल्लम ने जो है मुस्लिम्स को इनक्रेज किया ताकि वो नॉलेज की तरफ जाएं क्योंकि जब इस्लाम आया था तब बहुत ही कम लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे जिसमें आप सल्लम ने मुस्लिम्स को इनक्रेज भी किया और बाकायदगी से आप सल्लम ने उनके लिए एक सिस्टम भी बनाया जिसको अजहाब सुफा कहा जाता है वहाँ जहाँ पर दीन इस्लाम की तालीम भी दी जाती थी और वो मतलब कि हज़रत अबू हुरैरा और ये सारे जो थे लोग थे वो भी वहाँ पे सीखते थे। फिर आप सल्लम जो है वाज हिमसेल्फ अ रोल मॉडल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप सल्लम भी हर चीज़ को सीखते थे और वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए एग्जांपल हैं आप सल्लम की एज अ रोल मॉडल। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने जो है इस्टेब्लिश किया सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन मदीना दैट इंक्लूडेड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। Then at last Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam also emphasized the importance of character education. तो education पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है। इस हदीस से जो है हम पूरा education का अंदाज़ा लगा सकते हैं as a reference अगर आप डालना चाहें कि मन तलब العلم فریدن على كل مسلم। So जिसकी meaning ये है कि overall इल्म हासिल करना जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है चाहे वो मर्द हो या औरत। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। फिर हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी उसमें सीखने में और हमारा जो CSS और PMS का है रेफरेंसेस देने में। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एज ए डिप्लोमेट उन्होंने किस तरह से अपना जो किरदार है वो अदा किया। Prophet Muhammad Sallam was not only a spiritual leader, educator and administrator but also a diplomat who played an important role in shaping the relations between different tribes and nations during his time. आप सल्लम के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल सिस्टम आम था और जो दूसरी नेशंस थे उनसे भी जो ताल्लुकात जो थे वो तजारत के थ्रू अच्छे थे और बहुत ज़्यादा अच्छे। फिर मुसलमानों के साथ आप सल्लम ने उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे करवाए इस्लाम के बाद ताकि दीन जो है दीन इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा फैले अच्छे तरीके से और मुस्लिम्स को भी जो है वो इन चीज़ों में इंगेज करवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे दीन इस्लाम के बाद फिर आता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोंस्ट्रेटेड हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि डिप्लोमेट स्किल को दिखाया किस तरह से जिसमें जो जो मुआहदे कुफ़ारे मक्का जो है वो कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे हामी भरी ताकि जो फ्यूचर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि आपने जाना है वहाँ पे और आप लोग जो है वो मक्का जो है वो फतेह होगा। तो ये इस चीज़ को जहन में रख कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं किसी ट्रीटी में थी जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था मुसलमानों पर लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को माना तो इससे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्किल है वो ज़ाहिर होती है। विच वॉज साइंड बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड द मक्कंस ऑफ 628 जो भी मक्का वाले थे 628 के दौरान उनके दरमियान जो है ये ट्रीटी साइन हुई थी। इन चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर क्योंकि प्रेजेंट की चीज़ें फिर
मतलब कि मिक्स्ड हो जाती हैं. फिर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो सेंट डिप्लोमेटिक मिशंस टू नेबरिंग किंगडम्स एंड इस एम्पायर्स इंक्लूडिंग द बाइजेंटाइन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर. आप सल्लम ने जो है वो डिप्लोमेटिक मिशंस जो उनके मतलब कि नेबर्स थे, जिस तरह से बाइजेंटाइन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जिनको हज़रत उमर ने बाद में फ़तेह किया, तो उनको भी पैगाम जो है वो भेजे और रिलेशनशिप्स भी जो है तो वो भी अच्छे करने की कोशिश की. फिर आते हैं सेकंड पे, सेकंड लास्ट पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ स्टेट्समैन. स्टेट को किस तरह से उन्होंने हैंडल किया. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द इस्लामिक स्टेट. इस्लामिक स्टेट को मतलब कि मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे तरीके से इस्टैब्लिश करवाया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और दूसरे जो भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा किया. फिर प्रॉफिट मोहम्मद ऑल्सो इस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. टैक्स का सिस्टम जो गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू सपोर्ट द स्टेट एंड प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस. At the last, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was also a military leader who led the Muslims in battles against their enemies. तो जो भी जंग जदल होता था, ओवरऑल अगर जंग जंग की भी बात किया जाए तो आप सल्लम ने जो है वो जंग भी पीस के लिए की थी और उनका अपना जो है कोई भी फ़ायदा उसमें इंक्लूड नहीं था. प्रॉफिट मोहम्मद एज अ मिलिट्री लीडर उन्होंने किस तरह से काम किया. आप सल्लम सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे, एजुकेटर नहीं थे, डिप्लोमेट नहीं थे, स्टेटमैन नहीं थे, बल्कि मिलिट्री लीडर भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया, जो मुस्लिम्स को बैटल्स के दौरान लीड किया. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द नंबर ऑफ मिलिट्री कम्पेन्स बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव थ्रू आउट हिज लाइफ. एज मिलिट्री लीडर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वाज नोन फॉर हिज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ब्रेवरी एंड टैक्टिकल स्किल. किस तरह से सिचुएशंस को टैकल करना है वो भी उनके पास बहुत अच्छी स्किल थी. पर प्रॉफिट मोहम्मद एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिटी अमॉन्ग हिज सोल्जर्स. तो ये सारी अगर चीज़ें चेक करनी है तो आपने ओवरऑल हिस्ट्री जो सीरा की है वो देख लेनी है, जिससे आपको सारी जो है किस तरह से डिफेंसिव ऑफेंसिव सारा हुआ तो वो आपने चेक कर लेना है. तो ज़्यादा हम वाक़ यहाँ पर नहीं कर सकते, हमें ओवरऑल डिस्कस कर